कर दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस समय ऋषि आ जाएगा और ऋषि सही उस समय आ रहा है कि जिस समय शादी के फेरे लेने वाले थे विक्रांत और साथ में आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी। हालांकि दोस्तों इन शब्दों में अगर बोला जाए तो इस समय मलिष्का काफ़ी खुश हैं कि लक्ष्मी फाइनली इस समय विदा हो रही हैं, और लक्ष्मी के विदा होने पर सबसे ज़्यादा खुशी जो हो रही है वो मलिष्का नीलम को हो रही है। हालांकि एक नहीं बल्कि इस समय कहानी में कई और भी ट्विस्ट लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये होगा क्या, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो हो रहा है वो वास्तविक बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है और सभी लोग जानते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई मायनों में काफ़ी ज़्यादा खास होती हुई नज़र आ रही है। सभी लोगों को पता है कि जो हो रहा है वो भी अभी तक बुरा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं अगर विश्वास की बात की जाए तो अभी तक सभी को विश्वास था कि ये शादी पूरी तरीका से नहीं हो पाएगी, क्योंकि उससे पहले ऋषि आ जाएगा। और सो वाकई में दोस्तों हुआ भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि ऋषि सही समय पर एंट्री मारकर सभी को ये तो चौंका दिया है, संदेश दे दिया है कि कभी झूठ की विजय नहीं हो सकती बल्कि सच्चाई की विजय होती है। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई ट्विस्ट लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग हैरान नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा परेशान भी है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि दोस्तों जो हो रहा है वो भी वास्तविक अब बुरा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी लोगों की आंखें इस समय टिकी हुई हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में नई कहानी में नया ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा दोस्तों, जहां पर मलिष्का भी एक्सपोज होगी, क्योंकि मलिष्का के कर्म ही कुछ इस तरीका के हैं, उसको एक्सपोज होना ही पड़ेगा। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को वाकई में इतना